students of class 8, subject mathematics, chapter number 6 on what is square and square roots. Exercise 6.3 question number 3rd hai. Without doing any calculation, bina calculation kiye, calculation karna matlab prime factorization method bina use kiye, find the numbers which are not surely perfect squares. Ye batao ki in me se jo humko 4 questions given hai, 153, 257, 408, 441. इन फोर क्वेश्चंस में से कौन सी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिन्हें आप श्योरली कह सकते हैं देखते ही कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो हमको ये पता लगाने के लिए कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उसके लिए मैंने आपको ये 1 से 10 तक स्क्वायर्स दिखाए थे. यहाँ पर हमको यूनिट नंबर देख के पता चलता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं. तो अगर यूनिट नंबर जो है 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4, 5, 6 और 9, अगर यूनिट नंबर में ये नंबर्स आते हैं, इट मीन्स हम वो बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते. इसके अलावा और जो भी नंबर आए उन्हें हम क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. अब वो कौन कौन से नंबर बच गए, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 है, 6 है, 7, 8. ये ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम अगर किसी डिजिट के पीछे यूनिट नंबर में ये नंबर्स लिखे हुए हैं, हम डायरेक्ट नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 153. 153 का यूनिट नंबर क्या है, 3. यूनिट नंबर इज 3, यूनिट नंबर 3 है. सो वी कैन श्योरली से दैट 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. अगर ये नंबर 2, 3, 7, 8 होंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. तो यहाँ पर यूनिट नंबर 3 है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन है 257. इसमें यूनिट नंबर क्या है, 7. तो 7 देखो मैंने वहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, इट मीन 7 जो है अगर 7 भी आता है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा. आप क्या लिखोगे, यूनिट नंबर इज 7, सो वी कैन श्योरली से दैट 257 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. एज इट इज ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है. यहाँ पर यूनिट नंबर पर क्या है, 8. 8 भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, यूनिट नंबर इज 8, सो वी कैन श्योरली से दैट 408 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 441. अब 441 का जो 1 है वो मैंने देखो ऊपर वाले में लिखा हुआ है. अगर ऊपर वाले नंबर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हम श्योर नहीं कह सकते. यूनिट नंबर इज 1, यूनिट नंबर 1 है, सो वी कैन नॉट श्योरली से दैट, इसलिए हम श्योरली नहीं कह सकते 441 इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, कि 441 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. अगर ऐसे नंबर आते हैं तो फिर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज करना है आपको, और क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट